नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद का इस्तेमाल करके आप किस तरह से आप अपने गर्भ में पुत्र संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आज इस दौर में लड़का और लड़की दोनों ही एक समान हैं, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कंधों से कंधा मिलाकर चलती हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि जहां पर लड़कियों ने अपनी छाप ना छोड़ी हो, पर फिर भी इंसान की दिली तमन्ना होती है कि उसे एक पुत्र जरूर हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आज एक ऐसा अचूक नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिससे आप पुत्र संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है। दोस्तों, जब कभी आयुर्वेदिक की बात होती है तो भारत में पतंजलि से कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है, और जो मैं आपको औषधीय बताने जा रहा हूँ ये भी पतंजलि की ही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाबा रामदेव के पुत्र जीवक बीज के बारे में। यह औषधीय पतंजलि स्टोर से आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यह दिव्य पुत्र जीवक बीज गोल मूंगफली की तरह होते हैं, और इन बीजों में से गिरी निकाल कर और इन गिरी को ग्राइंड कर लें। दोस्तों, ध्यान रखें कि आप इसे मिक्सर में ग्राइंड ना करें, इसे पत्थर के सील बट पर ही रगड़ें, क्योंकि ग्राइंडर से आयुर्वेदिक औषधि की ताकत कम हो जाती है। आप इस पाउडर को किसी हवा रहित डिब्बे में बंद कर दें। दोस्तों, अब इस पाउडर का आपको नियमित रूप से सेवन करना है। दोस्तों इसका सेवन खाना खाने से एक घंटे पहले करना है। अगर आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो दोस्तों आप इसका सेवन बछड़े वाले गाय के दूध के साथ करें। हाँ दोस्तों, ऐसी गाय हो जो कि अभी बछड़ा दिया हो, यानी कि वो बछड़े की माँ हो। दोस्तों, ये बात हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, इस बात पर पहले भी काफी हंगामा हो चुका है। दोस्तों, सरकार ने भी इस बात पर बाबा रामदेव जी पर कीचड़ उछाला, जिसकी सफाई में बाबा रामदेव जी ने कहा था कि ये लड़का पैदा करने के लिए नहीं है बल्कि संतान प्राप्ति के लिए है। इसके सेवन से बांझपन दूर होता है। जिन औरतों को काफी दिनों से बच्चा नहीं हो रहा है उनका भी गर्भ ठहर जाता है, और ऐसा इस दवाई के सेवन से हुआ भी है, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद में उसको लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन बाबा रामदेव जी के तुरंत सफाई के बाद एक अधिकारी ने धावा किया था कि पुत्र जीवक बीज से आपको लड़का पक्का होगा। अगर आप इसका सेवन बछड़े वाली गाय के दूध के साथ करते हैं तो आपको संतान पक्का लड़का ही होगा। कर्मचारी का कहना ये भी था, दवाई से काफी महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों, ये बात आपके ऊपर है, ये आपको लेना है या नहीं। दोस्तों, हम इस बात का कोई भी दावा नहीं कर सकते कि इस दवा से लड़का ही होगा। हाँ दोस्तों, हम इस बात का जरूर दावा कर सकते हैं कि इस दवा से किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।